वैसे तो आपने अक्सर पुलिस वालों को मामू कहते हुए सुना होगा। ये शब्द पुलिस वालों के लिए गाली से कम नहीं है, लेकिन इस शब्द का इस्तेमाल अपने बिहार में मामा के लिए होता है। माँ के भाई को मामू कहते हैं, लेकिन इसी शब्द को लेकर बिहार के कटिहार में पुलिस वर्दी का रौब 20 सड़क पर देखने को मिला। हाईवे 77 फलका बाजार में बाइक सवार दो लोगों को पुलिस गश्ती की वाहन घेरे में लेकर दे दनादन करती नजर आई। चर्चा है कि गश्ती पुलिस को देख ये दोनों बाइक सवार मामू कहकर वर्दीधारी को संबोधित कर रहे थे। मामू के संबोधन से गश्ती पुलिस वाहन से अपने फर्ज को निभा रहे पुलिसकर्मियों का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया। उनका पारा ऐसा चढ़ा कि कानून की धारा को भूलकर फलका थाने में प्रतिनियुक्त ASI सौरभ कुमार सहित पुलिसकर्मियों की गुंडागर्दी 20 सड़क पर देखी जाने लगी। इलाके में चर्चा यह भी है कि बाइक सवार अपने परिचित को मामू कहकर पुकार रहे थे। जहां से गुजरती पुलिस को उसकी चीख भरी मामू का संबोधन सुनाई दिया। पुलिस वालों को लगा कि दोनों पुलिस वालों को ही कह रहे हैं और चिढ़ा रहे हैं, जिसके बाद यह ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। पूरे मामले पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अमरकांत झा ने कहा कि पिटाई वाली वीडियो नहीं देखा हूं, लेकिन जानकारी मुझे मिली है कि मामू कहकर पुलिस का उच्चारण और दुर्व्यवहार किया गया है, जिस कारण ऐसा मामला सामने आया। जिस व्यक्ति ने मामू कहा वह भी गलत था और पुलिस को भी कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए था। कानून संगत कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि इस मामले की जाँच की जाएगी और कार्रवाई भी होगी। अब देखना है कि कटिहार जिला के फलका थाना पुलिस की गश्ती टीम में शामिल ASI सौरभ कुमार की गुंडागर्दी पर पुलिस महकमा क्या कार्रवाई करता है। पुलिस की पिटाई का वीडियो सामने आया है, पूरा मामला क्या? इस संबंध में हमको कल एक पत्रकार भी बोले थे और इस समय में अभी हम वीडियो देखे नहीं है, लेकिन जानकारी मिली है जो उनको शायद मामू करके उच्चारण किया जा रहा था, जिसके कारण उनके द्वारा दुर्व्यवहार किया गया। तो इस मैटर जैसे ही हम लोग के संज्ञान में आएगा हम लोग जांच करेंगे, और जो आदमी मामू कहा वो भी सही नहीं किया, लेकिन पुलिस को पेशेंस से काम करके और कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। हमको भी कानून को अगेंस्ट करने का अधिकार नहीं है। हम लोग जांच करेंगे, जो यदि ऐसा कुछ किया होगा तो उसके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई करेंगे। जांच के बाद जो उचित कार्रवाई होगा वो कार्रवाई तो हमारे SP साहब करेंगे। सर, ब्रेथलाइजर मशीन पर रोक है और फलका थाना ने ब्रेथलाइजर का प्रयोग करके शराब की होने की पुष्टि की है। हम देख रहते हैं इसमें क्या अभी आदेश है और बाकी क्या करना है और वो क्या किया है। इस संबंध में जो नियम संगत यदि नहीं होगा फिर हम लोग कार्रवाई करेंगे। कटिहार से रतन कुमार की रिपोर्ट।